नमस्कार, मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश के किन किन इलाकों में इस समय बादल बरस रहे हैं, कहां पर बिजली कड़क रही है, कहां पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना बन रही है आने वाले दिनों में। लेकिन इन सबसे पहले अपने दर्शकों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं क्या है मौसम का हाल। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सैटेलाइट इमेजरी में क्या दिख रहा है। सैटेलाइट इमेजरी में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है या पूर्वी तट है, वहाँ पर घने बादल हैं। और ये घने बादल कहाँ से कहाँ तक हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक तरफ अगर आप बे ऑफ बंगाल से सटे हुए तमाम इलाकों को देखेंगे तो हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में ज़बरदस्त तरीके की क्लाउडिंग है, झारखंड में ज़बरदस्त तरीके की क्लाउडिंग है, ओडिशा में बादलों का आना जाना है, आंध्र प्रदेश में बादलों का ज़बरदस्त जमावड़ा है, और इसी तरीके की स्थिति हम कह सकते हैं तमिलनाडु में भी बनी हुई है। तो ये पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्ट इस वक्त घने बादलों की चपेट में है, और ये बादलों का जो जमावड़ा है कहाँ तक जा रहा है, मध्य भारत तक जा रहा है, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में घने बादल हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें विदर्भ के इलाकों में भी बादलों की धमाचौकड़ी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो पश्चिमी राजस्थान एकदम सूखा हुआ है, और यहाँ पर एकदम खिली हुई धूप की वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि यहाँ जितनी बारिश की उम्मीद थी उतनी बारिश नहीं हो रही है। पंजाब में आसमान साफ़ है, हरियाणा में आसमान साफ़ है, दिल्ली में साफ़ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साफ़ है, तो ये एक बड़े इलाके का मौसम है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आखिरकार बारिश कब आएगी? अगर हम बारिश की बात करें तो राजस्थान में, ख़ास तौर पर पूर्वी राजस्थान में पिछले दिनों काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मानसून की बारिश अच्छी हो इस बात की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान की खास तौर पर बात करें तो कई ज़िले हैं जहां पर सूखे जैसे हालात हैं, लोग परेशान हैं, और वहीं स्थिति गुजरात की है, और गुजरात में भी लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जो राजस्थान से लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वहाँ पर तो बारिश है, लेकिन जो महाराष्ट्र से लगा हुआ पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ पर बारिश की काफ़ी कमी है। तो मौसम विभाग की तरफ सभी लोग टकटकी भरी नज़र से देख रहे हैं कि कब यहाँ पर बारिश का हम कह सकते हैं आना होगा, इसके बारे में कोई घोषणा होगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में क्या है, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में बिजली कड़क रही है। तो यहाँ पर मौजूदा जो स्थिति है उसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिजली कड़क रही है। अगर उसको देखें तो यहाँ बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि झारखंड के इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से लाइटनिंग चल रही है, इस समय ज़ोरदार लाइटनिंग है, और यही स्थिति हम कह सकते हैं विदर्भ के इलाकों में है, और छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके में इस समय ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग चल रही है, और इसी तरीके से पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लाइटनिंग चल रही है। और अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं लाइटनिंग की स्थिति बनी हुई है। पंजाब के कुछ इलाकों में लाइटनिंग चल रही है, तो ये स्थिति शाम होते होते और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो एक बड़े इलाके में इस समय एक्टिविटी चल रही है, ये देखा जा सकता है, इस मैप से पता चलता है पिछले आधे घंटे में कहाँ कहाँ पर एक्टिविटी है। तो आखिरकार आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? जिस कम दबाव के क्षेत्र की बात की जा रही थी वो कब डेवलप हो रहा है, कब इंटेंसीफाई हो रहा है? तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन की जब हम बात करेंगे तो अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहे हैं, यानी 17 तारीख को जिस कम दबाव के क्षेत्र की बात की जा रही थी वो यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिख रहा है, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं देखिए किस तरीके से ये हवाएँ अरब सागर से आकर और यहाँ पर दक्षिणी प्रायद्वीप को पार करके फिर वापस पहुँच रही हैं। देखिए किस तरीके से नमी उठाकर ये वापस बंगाल की खाड़ी से मुख्य भूमि पर पहुंच रही हैं। तो यहाँ पर बारिश का दायरा बदलता हुआ, साथ ही साथ अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में अगले 24 घंटे में काफ़ी अच्छी बारिश है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बंगाल में मध्यम दर्जे की बारिश, साथ ही साथ झारखंड में भी कई जगहों पर मध्यम दर्जे और कई जगह भारी बारिश होने का अनुमान है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हम खास तौर पर कह सकते हैं मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में बारिश का सिलसिला ज़ोरदार बनेगा, और इसी तरीके की स्थिति
पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में देखी जा सकती है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे में वहाँ पर बारिश नहीं है। जैसे गुजरात की बात करें, यहाँ पर बारिश नहीं है, राजस्थान में बारिश नहीं है, पंजाब में बारिश नहीं है, हरियाणा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। और बाकी जगहों की अगर आप बात करेंगे, दक्षिणी भारत की बात करेंगे, तो यहाँ हल्की बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, क्लाउडिंग तो रहेगी लेकिन हल्की बारिश है। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। बिहार की बात करें तो उत्तरी इलाके में, बिहार के उत्तरी इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। उसके आगे की बात करते हैं, ये 18 तारीख को देखिए किस तरीके से ये कम दबाव का क्षेत्र और स्ट्रांग हो जाएगा, और ये देखिए कई इलाकों में अच्छी बारिश देगा, जिसमें हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के इलाके हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के इलाके हैं, विदर्भ है, और इसके अलावा देखें तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी, उड़ीसा में जो है अच्छी बारिश देखी जाएगी, बिहार और झारखंड के साथ साथ बंगाल के इलाकों में भी जोरदार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भी जोरदार बारिश रहेगी, और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात कह रहा हूँ, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके, पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगहों में, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश का वो इलाका जो हम कह सकते हैं कि राजस्थान से लगा हुआ है, वहाँ पर बारिश नहीं है। चलिए 19 तारीख की स्थिति देख लेते हैं। 19 तारीख को ये वेदर सिस्टम लगातार हवाओं को खींचता हुआ उत्तर भारत तक पहुँचाएगा, और वो स्थिति लगातार दिख रही है। इसमें हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में भी बारिश में इजाफा होगा, साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इजाफा होगा, और जो गुजरात का इलाका है, खासतौर पर गुजरात के इलाकों में, अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना बनेगी, और यहाँ पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी, छत्तीसगढ़ में बारिश रहेगी, और जहाँ पर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी कई जगह पर बारिश का सिलसिला रहेगा, पूर्वोत्तर भारत में रहकर बारिश होती रहेगी। और यहाँ पर अगर हम 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को ये वेदर सिस्टम, जो कम दबाव का क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश की तरफ मूव कर जाएगा, यानी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में बारिश का सिलसिला रहेगा, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश का सिलसिला रहेगा, साथ ही साथ अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में नैनीताल, कार्बेट और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये 20 तारीख की स्थिति है, और 20 तारीख को हम कह सकते हैं ये इलाका लगातार बदलता हुआ, और 21 तारीख की अगर हम बात करें तो ये वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं दिल्ली तक बारिश को लेकर जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश देखी जाएगी। तो यहाँ पर लगातार स्थितियाँ बदलती चली जाएंगी, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं मानसून का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक पहुँच जाएगा फिर से एक बार। और फिर यहाँ पर हम आगे की बात करें अगर 22 तारीख की, तो 22 तारीख को आप देख सकते हैं ये वेदर सिस्टम कहाँ तक बारिश को लेके जा रहा है, तो उसको बड़ी आसानी से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और यहाँ हम आपको बता दें, बिहार के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा, उत्तराखंड में 22 तारीख को अच्छी बारिश रहेगी, साथ ही साथ हिमाचल के कई इलाकों में जोरदार बारिश देखी जाएगी, दिल्ली और आसपास के इलाकों में, खासतौर पर इससे दिल्ली में तो अच्छी बारिश नहीं रहेगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। ये 22 तारीख का है, और हम 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख को भी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में, पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ जो है अच्छी बारिश देखी जाएगी, उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश रहेगी, और तराई वाले इलाके में लगातार बारिश का हम कह सकते हैं सिलसिला बना रहेगा, साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी अच्छी बारिश रहेगी, और मध्यम दर्जे की बारिश हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में वापसी करेगी, पूर्वोत्तर भारत में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 24 तारीख की स्थिति देखिए, 24 तारीख को भी हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिमी और पूर्वी दोनों तरफ जो है अच्छी बारिश रहेगी, साथ ही साथ हरियाणा में भी बारिश होने का अनुमान है, पंजाब में भी, और तराई वाले इलाकों में हम कह सकते हैं अच्छी बारिश रहेगी, मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। चलिए उसके बाद 25 तारीख की बात कर लेते हैं। 25 तारीख को हम कह सकते हैं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश तेज हो जाएगी, और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश देखी जाएगी। ये लगातार बदलती हुई स्थिति है और इसमें बदलाव होता रहेगा। 26 तारीख को भी देखिए, यहाँ पर जो कम दबाव का क्षेत्र है वो लगातार बना रहेगा और इसी इलाके में बारिश देता रहेगा, और जैसे जैसे स्थिति बदलती जाएगी उसके बारे में हम आपको जानकारी देते जाएंगे। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कम दबाव का क्षेत्र एक बड़े इलाके में बारिश देने जा रहा है, लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तो वहाँ बारिश काफ़ी कम है, तो पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ बारिश ना के बराबर है। तमाम लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।